हे एवरीवन दिस इज सजल जोशी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर टू ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स जो कि इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 फर्स्ट चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उसको हमने दो पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया था और इस चैप्टर को भी हम लोग दो पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे एंड जो इसकी नोट्स की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना जो हैंड राइटर नोट्स है उनका भी और ये जो पीपीटी के नोट्स है उसका भी तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर टू एंड हाँ यार वो जो प्रीवियस वीडियो में रिस्पॉन्स आया था मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था यार एंड इट इज अ रियली यू नो एस्टोनिशिंग मूवमेंट फॉर यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कमेंट्स यू हैव मेड

प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था 1757 पे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे और हम पे कब्जा कर लिया था उनने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर उनने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रेड सेक्टर को तबाह कर दिया था बिल्कुल और हमारी इकोनॉमी एकदम बिल्कुल गिर चुकी थी जिसका कोई भविष्य नहीं था तो अब बात यह आती है जब 1947 पे हमको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है तो अब हमें वो गिरी हुई इकोनॉमी को वापस उठाना है तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि 1950 से लेके 1990 तक हमने क्या पॉलिसीज लॉन्च करी सो so दैट हम जो हमारी गिरीवी इकोनॉमी है उसको वापस ऊपर उठा सके यानी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स लाए थे जैसे कि एक बहुत फेमस है यार ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर आपने सुना हो उसी में लैंड रिफॉर्म्स भी लाए गए थे उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कुछ हम लोग रिफॉर्म्स लाए कुछ पॉलिसी लाए जैसे आईपीआर 1956 ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं तो बस आप इतना स्टार्ट करने से पहले ये याद रख लेना कि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कि 1950 से लेकर 1990 तक हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या क्या करा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है एक बेसिक टर्म इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है देखो इकोनॉमिक सिस्टम वो सारी अरेंजमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपनी कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं भैया ये ट्रल प्रॉब्लम्स क्या है देखो आपने क्लास इलेवन में आपको अगर याद हो आपने पढ़ी थी हमारे पास तीन सेंटर प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की पहली होती है वॉट टू प्रोड्यूस सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस थर्ड फॉर हुम टू प्रोड्यूस पहले हम बात करते हैं वॉट टू प्रोड्यूस यानी कि हम किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करें क्या हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं क्या हम कैपिटल गुड्स बनाएं या हम कौन से टाइप के गुड्स बनाएं इन एंड ये क्वेश्चन ये चीज रेस करता है ठीक है सेकेंड थी हाउ टू प्रोड्यूस यानी किस टेक्निक को यूज करके हम लोग अपना प्रोडक्शन करें हमें ऑलरेडी पता है हमने इलेवंथ में पढ़ा था और नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं हमारे पास दो टेक्निक होती है प्रोडक्शन की एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो बोलती है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज करो और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो क्या कहती है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा लेबर्स का यूज करो तो ये डिसाइड करना कि भैया हम कौन सी टेक्निक और प्रोडक्शन से हम अपनी इकोनॉमिक करेंगे उसको बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस थर्ड होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी जो हम गुड्स बना रहे हैं वो किसके लिए बनाए किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाए क्या हम लोग रिच के लिए गुड्स प्रोड्यूस करें या क्या हम लोग गरीब के लिए गुड्स प्रोड्यूस करें तो ये डिसाइड करना कि किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी क्या हम रिच के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करें या क्या हम लोग पुअर के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करें

टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम देखो टोटल तीन टाइप्स के होते हैं पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड हमारी होती है मिक्सड इकोनॉमी पहले हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की देखो ये वो इकोनॉमी होती है जहां पे सारे करता धरता हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं यानी यहाँ पे मींस ऑफ प्रोडक्शन ओन कंट्रोल ऑपरेट और जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में वो कौन करेगा प्राइवेट सेक्टर करेगा अब बात है कि यहां पे प्राइवेट सेक्टर आ गया तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना ही इसका मेन एम होता है प्राइवेट सेक्टर का एक ही पर्पज होता है यार कि ज्यादा ज्यादा से जादा हम लोग प्रॉफिट कमाएं तो इनका एम क्या होता है प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज करना ठीक है अब बात आती है कि प्राइवेट सेक्टर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को कैसे सॉल्व करता है या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस ये क्या गुड्स प्रोड्यूस करती है ये वो गुड्स प्रोड्यूस करती है जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सके ये ये कैपिटलिस्ट कैपिटल में ये नहीं देखा जाता है कि लोगों को कौन से गुड्स चाहिए ये देखा जाता है कि कौन से गुड्स ये लोग प्रॉफिट में बेच सके तो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगी जो प्रॉफिट में ये बेच सके सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस ये कौन सी कैपिटलिस्ट स्टॉमी में कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करा जाता है देखो इसमें ना दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज कर लेंगे जो सस्ती पड़ रही हो तो चीप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अगर लेबर इंटेंसिव सस्ता पड़ रहा है तो लेबर इंटेंसिव से प्रोडक्शन कर लेंगे अगर सस्ता रहा है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को कर लेंगे। बस यह है कि जो सस्ता है थर्ड है? है, है वो डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परचे पावर रेदर देन ऑफ द का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये देख के नहीं होता है कि किसकी कितनी नीड है यहां पे भाई कैपिटल इकोनॉमी में ये बोला है अगर तुम पे पैसा है तो तुम्हें गुड्स मिलेंगे यहां पे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें गुड्स नहीं मिलेंगे तो ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सॉल्व करने के तरीके ठीक है।, है उसके बाद सेकेंड हमारे पास आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है ये क्या होती थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर यानी जितना भी मींस ऑफ प्रोडक्शन होगा ऑपरेशन होगा कंट्रोल होगा जितना भी हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा वो कौन करेगा वो करेगी हमारी सरकार यानी गवर्नमेंट का रोल प्ले करती है अब सरकार यहां पे आ गई गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं इसका मेन पर्पस क्या होगा सोशल वेलफेयर करना गवर्नमेंट यार प्रॉफिट के लिए नहीं सोचती है उसको सोशल वेलफेयर करना होता है हमारी कंट्री में अब बात आती है कि भैया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व कैसे करते हैं ये कैसे करती है वॉट टू प्रोड्यूस ये क्या गुड्स प्रोड्यूस करती है ये वो गुड्स प्रोड्यूस करती है जो सोसाइटी में चाहिए होते हैं जो लोगों को गुड्स चाहिए ये वो गुड्स प्रोड्यूस करती है ठीक है हाउ टू प्रोड्यूस ये कौन सी टेक्निक को यूज करती है प्रोडक्शन के लिए देखो ये लेबर इंटेंसिव भी यूज करती है ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को भी यूज करती है यानी यहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि यार ये सिर्फ लेबर इंटेंसिव पे जाती है ये अपने हिसाब से डिसाइड करती है अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने से वजह से इसको लगता है कि भैया हमारा प्रोडक्शन कम होगा तो ये कैपिटल इंटेंसिव में चल जाती है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करने में इसको लगता है कि यार हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो यह लेबर इंटेंसिव में चल जाती है यानी एट द एंड ऑफ द डे बात ये आती है कि ये खुद डिसाइड करती है अपने हिसाब से कि कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ये यूज करने वाली है ठीक है फिर है फॉर हुम टू प्रोड्यूस यहां पे जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स ऑफ द सोसाइटी रेदर देन परचेसिंग पावर यहां पे ये नहीं देखा जाता है कि यार कौन उस गुड्स को परचेस कर सकता है यहां पे ये देखा जाता है कि किसको सबसे ज्यादा उस गुड्स की नीड है यहां पे पैसे का कोई वहां नहीं है कि तुमने पैसा फेंका और तुम्हें गुड्स मिल गए यहां पर जो देखा जाता है कि भैया किसकी कितनी जरूरत है जैसे कि यार कुछ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हो गई एजुकेशन हो गई ये तो सब तक पहुंचनी चाहिए ना तो इसका यही एम रहता है कि जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है ये सब तक पहुंचे भी इस का फायदा उठा सके और अपनी एजुकेशन या सब कुछ वो कर सके तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ठीक है थर्ड हमारे पास आती है देखो, mix, यहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में समझ रहे हो बात को मतलब इसका कंबाइन कर दो जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी होगा और गवर्नमेंट भी काम करेगी तो यही लिखा है प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में अब यहां से जो इसका एम निकल के आता है प्राइवेट सेक्टर क्या करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ध्यान देता है कि ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉफिट कमा सके और गवर्नमेंट क्या करती है सोशल वेलफेयर करती है गवर्नमेंट को तो अपना चलता रहता है कि उसको सोशल वेलफेयर करना है और प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में लगा रहता है है ठीक और यहां पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी होती है वो ये लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं बस इतना याद रखना कि गवर्नमेंट का हमेशा मेजर रोल प्ले होता है एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर तो यहां पे ये लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं हमें सिर्फ इतना ही जानना है ठीक है अब बात आती है कि भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फायदा क्या है देखो इसका सबसे पहला फायदा है ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है तो हमारी कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है सेकेंडली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं यार एक बार आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना उसके बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना आपको फर्क पता चल जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज टेक्नोलॉजीज हाइजीन सब बेटर होगा एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे ठीक है तो भैया नुकसान क्या है देखो नुकसान वही निकल के आ जाता है कि भाई यहाँ पे सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो पुअर के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है ना तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता है सेकेंड हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की देखो इसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं देखो इसका एकमात्र फायदा यह है कि हमारी कंट्री में सोशल वेलफेयर हो सकता है पूरा तक भी गुड्स हम पहुंचा सकते हैं और भैया नुकसान क्या है देखो भाई सिर्फ ना बोल सकते हैं हम लोग कि सोशल वेलफेयर या भलाई करके देश नहीं चलता है हमें अपनी जीडीपी की ग्रोथ भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है यानी हमें प्रॉफिट कमाना है तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो इसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट होती है ना वो बहुत ज्यादा क्या होती है कम होती है साथ साथ नोट करते रहना यार आपको चीजें बहुत अच्छे से रिटेन होगी एंड आप इस प्रोसेस के साथ चल रहे हो ना मेरे साथ आई प्रॉमिस यू आर जब आप पेपर देने जाओगे ना आपको एक प्राउड फीलिंग आएगा कि यार आज मैं सब पढ़ के आया हूं और मैं सब फुल अचीव करूंगा ठीक है तो उसके बाद आती है बात आती है मिक्स्ड इकोनॉमी की देखो मिक्स्ड इकोनॉमी का फायदा क्या है यहां पे पहली बात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट अच्छी होगी और साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हमको देखने को मिल रहा है तो दोनों इसमें फायदे होते हैं भैया नुकसान क्या होता है देखो नुकसान यह होता है कि इस इकोनॉमी में कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर तो होता ही होता है लेकिन यहां पे करप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है गवर्नमेंट सेक्टर को पैसे खिला सकता है तो यहां पे इस इकोनॉमी में या इस सिस्टम में करप्शन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसको ना जो जो मैंने पॉइंट बताया साथ साथ नोट करते रहना आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ठीक है और अगर नोट कर रहे हो तो लिख दो yes, भैया मैं साथ साथ नोट कर रहा हूं ट्रस्ट मी दिस प्रोसेस दैट यू आर गोइंग थ्रू जो प्रेशर पड़ रहा है आपके पेरेंट्स आपको ताना मार रहे हैं आपके स्कूल टीचर्स आपको ताना मार रहे हैं डीमोटिवेट कर रहे हैं आपको यहां पे स्ट्रांग रहना है और एक साल बाद जब आपकी वो मार्कशीट का रिजल्ट आएगा ना तो सब चुप हो जाएंगे और मेहनत करो बस दैट्स इट ठीक है उसके बाद बात आती है

नेहरू जी तो ये उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जिनने इस चीज के लिए एग्री करा था ठीक हो गया ये नोट कर लो मैं एक सेकंड का आपको टाइम देता हूं इसको नोट कर लेना आई होप यार आपने नोट कर लिया होगा अब हम बात करते हैं देखो हमने समझ लिया कि हमारी इकोनॉमी ने कौन से सिस्टम को फॉलो करा मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को अब बात आती है कि यार हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है और हमें एक गोल अचीव करना है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो सके तो उसके लिए हमें प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत है यार आप भी जब कुछ एम बनाते हो सपोज कर लो कि आपका एम है कि मेरे को बोर्ड्स में 95 परसेंट चाहिए मेरे को सी यू टी में एक अच्छा स्कोर चाहिए तो उसके लिए क्या करते हो पहले प्लानिंग करते हो ना तो वैसे ही अगर इकोनॉमी को एक गोल अचीव करना है कि उसको ग्रो करना है तो उसको प्लानिंग की सख्त जरूरत होती है तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है इकोनॉमिक प्लानिंग देखो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या बोलता है इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस एंड डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनको अलग अलग पे भी पैसा लगा रहे हैं जहां पे भी रिसोर्सेज लगा रहे हैं हमें ध्यान ये देना है कि हमारी नेशन सबसे ऊपर आना चाहिए नेशन को हमें प्रायोरिटी रखना है हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखेंगे हम अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं रखेंगे हम देश को प्रायोरिटी रखेंगे तो क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कंट्री के रिसोर्सेस को ऐसी जगह पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में लगाना यह ध्यान रखते हुए कि नेशन हमारी प्रायोरिटी है पता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दी गई होती है किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग सेटिंग अप ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी देन असाइनिंग सम सम गोल्स एंड फॉर्मिंग पॉलिसीज टू अचीव दैट तो हर बुक की डेफिनेशन अलग होती है जो डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है ये प्लानिंग कमीशन ने खुद दी है जो भी हम पढ़ेंगे तो ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई अब ये प्लानिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा प्लानिंग कमीशन को फॉर्मुलेट करा कब करा प्लानिंग कमिशन को 1950 में जिसमें जो चेयरमैन थे वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी ये याद हमको रखना है और ये प्लानिंग कमीशन ने क्या करा फाइव ईयर इन फॉर्मुलेट करना या स्टार्ट कर दिए भैया फाइव ईयर प्लान्स क्या होते हैं देखो ये कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं जो पाँच साल का विजन रखते हैं यानी हम बोला कि इस पाँच साल में हम लोग अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करेंगे उसके अगले पांच साल पे हम लोग अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करेंगे यानी हर पाँच साल का हम एक विजन बना के चलते हैं तो फाइव ईयर प्लान्स आर ऑल्सो नोन है शॉर्ट टर्म प्लान्स यानी हर पाँच साल में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमको एक चीज अचीव करनी है तो ये पहली बार फाइव ईयर प्लान्स फॉर्मुलेट कब हुए थे ये हुए थे 1951 पे 1951 से लेके 1956 यानी पांच साल का ड्यूरेशन है और आखिरी वाला कब हुआ था 2012 से लेके 2017 तक तो पहली बार कब हुए थे 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक और आखिरी वाला कब हुआ था 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक अब इसके बाद आता है कि भैया जो 20 साल के ज्यादा प्लान होते हैं यानी 20 साल से ज्यादा का हम लोग प्लान बना के चलते हैं कि 20 साल बाद हमको ये चीज अचीव करनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं परस्पेक्टिव प्लान बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर में आ सकता है कि बीस साल से ज्यादा जो हम प्लान बनाते हैं गोल अचीव करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं परस्पेक्टिव प्लान उसके बाद एक जनवरी 2015 में हमने क्या करा इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग के साथ नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी हमने प्लानिंग कमीशन की जगह अब नीति आयोग को इसमें कन्वर्ट कर दिया ठीक है तो ये था यार हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग एक बार ओवरव्यू लेते हैं यार ओवरव्यू लेना बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को बुरा मत मानना बस ठीक है तो इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या होता है कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में में लगाना ये ध्यान में रखते हुए कि नेशन हमारी प्रायोरिटीज है और इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन करा 1950 में जिसके चेयरमैन कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और इसने क्या करा फाइव ईयर प्लान लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया और जो बीस साल से ज्यादा के प्लान होते हैं उसको हम पर बोलते हैं और एक जनवरी दो में हमने प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया नीति आयोग के साथ तो ये हमें पढ़ना है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर आई होप यार आप साथ साथ नोट कर रहे हो या आप साथ साथ लर्न कर रहे हो चीजें तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हमकी होगी एंड ट्रस्ट मी यार मैं हर बार ये चीज बोलूंगा कि जितनी भी आप मेहनत यहां कर रहे हो जितने भी आप लेक्चर देख रहे हो जितनी भी आप रातें पढ़ रहे हो ये एक दिन वर्थिट होने वाली है शायद आप बाद में तो शायद मेरे को तो भूल जाओ या जो भी हो बट ये याद रखना कि जितनी भी मेहनत आप यहां कर रहे हो ये डेफिनेटली वर्थ इट होने वाली है ये आपको आज से एक साल बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा और जो प्राउड फीलिंग होगी ना वो शायद आपको कोई और चीज इस टाइम पे नहीं दे सकती ठीक है है तो हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता अब आते हैं भैया बेसिक ऑफ हम पर्टिकुलर पांच साल के टारगेट रखते थे तो जो भी हम टारगेट रखते थे उससे कहीं ना कहीं ये बेसिक गोल्स फुलफिल हो जाते थे ये चार हमें बेसिक गोल्स पढ़ने हैं पहला हमारे पास आता है ग्रोथ देखो ग्रोथ मतलब होता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी अगर हम पहले एक लाख गुड्स बना पाते थे अपनी कंट्री में और अगर अब हम डेढ़ लाख गुड्स बना पा रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है ग्रोथ हो रही है क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाने की बढ़ चुकी है ठीक है अब ये जो ग्रोथ होता है इसका एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है जीडीपी भैया जीडीपी क्या होता है देखो जीडीपी होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी यानी एक साल में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी अगर हम मार्केट वैल्यू को कंबाइन कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी तो ये जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर होता है यानी अगर हमारी कंट्री में जीडीपी बढ़ रहा है दैट मींस हमारी ग्रोथ हो रही है और जो ये जीडीपी होता है ना ये तीनों सेक्टर से डिराइव होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी और सर्विस सेक्टर से भी तो तीनों सेक्टर से हमारा जी डिराइव होता है तो ग्रोथ में क्या लिखा है वो देख लेते हैं यार मैं जो नोट्स ये फॉर्मुलेट कर रहा हूं इस सेंस में कर रहा हूं कि अगर आपका पेपर है और उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट मैं नोट्स ही इस बेसिस पे प्रिपेयर कर रहा हूं इसलिए ठीक है तो क्या लिखा है ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना गुड्स एंड सर्विसेज को उसको बोलते हैं ग्रोथ जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर होता है ग्रोथ का और जीडीपी किस किस से डराइव होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर से तो पहला हमारा हो गया ग्रोथ सेकेंड हमारे पास आता है मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन यार एक बेसिक मतलब क्या होता है नई नई चीज़ों में इवॉल्व करना नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना बोलते हैं ना मॉडर्न जमाना आ गया है यानी चेंजेस लाना हर चीज में उसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन ये तो बेसिक मतलब हो गया एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोलती है मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू एडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक यानी नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पहला फिफ्टी क्या होता है डॉप ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर एग्जाम्पल यार पहले जो हम सीड्स यूज करते थे वो बहुत पुरानी टाइप की यूज करते थे लेकिन जब से हमने एच वाई वी सीड्स यूज करना चालू करा है तब से हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है सिमिलरली यार जैसे हम पहले फैक्ट्रीज में मशीन यूज करते थे वो बहुत पुरानी टाइप की यूज करते थे लेकिन जब से हमने नई मशीन्स को यूज करा है हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है तो पहला क्या बोलता है कि नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना ये तो सिर्फ फिफ्टी परसेंट हो गया बचा हुआ फिफ्टी परसेंट क्या होता है भैया बचा हुआ 50 होता है चेंज इन सोशल आउटलुक यानी अपने सोच में परिवर्तन लाना यार आज से आपको याद होगा कुछ साल पहले तक कुछ ऐसी प्रैक्टिस चलती थी जो गलत थी जैसे कि गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन चाइल्ड मैरिज लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे वो दोनों इक्वल नहीं होते तो ये सारी गलत प्रैक्टिसेस या गलत सोच से अपने आप को इवॉल्व करके सही चीजों पे आना उसको बोलते हैं चेंज इन सोशल आउटलुक यानी अपनी सोच में परिवर्तन लाना चेंज इन सोशल आउटलुक तो कोई पूछे मॉडर्नाइजेशन क्या होता है इट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द सोशल आउटलुक तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट जो था मॉडर्नाइजेशन थर्ड हमारे पास आता है सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनना यानी इसमें क्या बोला गया ना कि जो भी हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे वो हम अपने खुद के रिसोर्सेस को यूज करके करेंगे हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं करना है तो ये बोला गया सेल्फ रिलायंस में सो इट मींस डेवलपमेंट थ्रू आर ओन ओन डोमेस्टिक रिसोर्सेज यानी अपने खुद के डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज करके हम अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करेंगे अब भैया ये जरूरी क्यों था ये नेसेसरी क्यों था क्यों ना हम लोग किसी और कंट्री से इंपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहे हैं यह गलत है क्यों इसके दो रीजन नेसेसरी क्या है सबसे पहला टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस देखो अभी हम कुछ साल पहले ही तो ब्रिटिशर्स से आजाद हुए थे उससे पहले तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट थे तो अब आजादी के बाद भी अगर हमें किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना है तो फायदा ही क्या हुआ आजादी का अब ऑब्वियसली बात है यार हम किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे कल को आके वो कंट्री बोल देती है कि नहीं भैया अब हम तुमको नहीं भेज रहे हैं गुड्स तो हम क्या करेंगे कल को कोई कंट्री बोल देती है नहीं एक्स वाई जेड कोई भी कंट्री आके बोल देती है कि हम आपको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे हम आपको फूड ग्रेन सप्लाई नहीं करेंगे तब हम कहा जाएंगे तब हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं तो फॉरन डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए सेकेंड और सॉरी सेकेंड टू अवॉइड फॉरन इंटरफेरेंस एक बात बताओ चलो हमने बोल दिया कि हम इस कंट्री से क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे अब वो इंपोर्ट के बदले में क्या पता हमारी पॉलिसीज में इंटरफेयर कर दे दे वो बोल दे कि भैया आपको पहले टैक्स रेट यूज करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी में चेंजेस लानी पड़ेगी तो वो हमारी पॉलिसीज में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर सकती है तो उसको भी अवॉइड करने के लिए सो टू अवॉइड फॉरन इंटरफेरेंस तो नेसेसरी क्यों था फॉरन डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए एंड हमारी जो फॉरन इंटरफेरेंस हमारी कंट्री में हो उसको हटाने के लिए ये दो रीजन से हमें सेल्फ लैंड या आत्मनिर्भर बनने के आत्मनिर्भर भारत बनने के ठीक है भैया फोर्थ आता है इक्विटी ये पिक्चर देखना इससे आपको क्लियर हो जाएगा इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है दोनों बहुत अलग टर्म्स हैं इक्विटी मत, इक्वालिटी मतलब कि आपने सबको सेम गुड्स दे दिए इक्विटी मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स किसकी कितनी जरूरत थी उस हिसाब से आपने गुड्स बा अगर इस पिक्चर में आप देख सकते हो इक्वालिटी में क्या कराए जो बंदा सबसे लंबा है उसको भी सेम स्टूल दिया है जो बंदा उससे छोटा है उसको भी वही स्टूल दिया है और जो बंदा सबसे छोटा है उसको भी वही स्टूल दिया गया है ये इक्वेलिटी है इक्विटी मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नीड देखो इसकी उस इसको जरूरत नहीं थी तो इसको नहीं मिला जो सबसे घंटा था उसको जरूरत थी उसको दो मिले यानी डिपेंडिंग अपॉन द नीड किसकी कितनी जरूरत है उसको हम बोलते हैं इक्विटी ठीक है आई होप आपको क्लियर होगा इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है तो इक्विटी का बेसिक मतलब होता है बेनिफिट ऑफ ग्रोथ ऑल ऑफ द सोसाइटी यानी अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसके बेनिफिट हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास पहुंचे वो रिच भी उस चीज का फायदा उठा पाए और जो गरीब है वो भी उस चीज का फायदा उठा पाए ये होता है इक्विटी सेकेंड बोलता है बेसिक नीड्स लाइक शेल्टर फूड क्लोथ एजुकेशन हेल्थ ये बेसिक चीजें फूड शेल्टर क्लोथ हेल्थ एजुकेशन ये सबके पास होनी चाहिए दैट इज इक्विटी एंड लास्टली टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना भी किसके अंदर आता है इक्विटी के अंदर आता है तो चार पॉइंट्स अगर आपसे पूछे जाएंगे क्या है बेसिक गोल्स तो ग्रोथ लिख देना जो पॉइंट समझाए हैं उसको लिख देना मॉडर्नाइजेशन के दो पॉइंट्स उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना सेल्फ रिलायंस में इतना लिख देना उसके बाद इक्विटी में इतना लिख देना मैं फिर से बोल रहा हूं जो भी मैं नोट्स यहां पे बना रहा हूं यू कैन ट्रस्ट ऑन दैम मैं बैठ के बिल्कुल रात भर रिसर्च करके नोट बनाता हूं जब

अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की देखो मैंने क्या बोला अब हम कुछ पॉलिसीज लाएंगे जिसमें हम लोग अपने एग्रीकल्चर लो सेक्टर की ग्रोथ पे ध्यान देंगे उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ पे ध्यान देंगे और उसके बाद हम लोग अपने ट्रेड सेक्टर की ग्रोथ पे क्या देंगे ध्यान देंगे तो इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर तक कवर करेंगे कर और जो बचा हुआ दो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे और दो पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ए टू जेड तो भैया एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए इसे पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन थी देखो हमें ऑलरेडी पता है जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज्यादा स्टेगनेंट था और बहुत बैकवर्ड था स्टेग्नेट मैंने बताया था क्या होता है स्टेगनेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही कम रेट से ग्रो करे उसको हम लोग बोलते हैं स्टेग्नेंट तो यही लिखा है एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज स्टेग्नेंट एंड बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था इसीलिए जो हमने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लॉन्च करा था यानी नाइनटीन फिफ्टी वन से लेके नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तक जो फाइव ईयर प्लान हमने लॉन्च करे थे उसमें हमने मेजर फोकस रखा था एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो लाए थे नाइनटीन फिफ्टी वन टू नाइनटीन फिफ्टी सिक्स उसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या करा था फोकस करा था ठीक है ये एग्रीकल्चर सिचुएशन थी अब भैया हमें ये समझना है कि क्या पॉलिसीज लाई गई ग्रोथ करने के लिए तो उससे पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि भैया प्रॉब्लम्स चल क्या रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में जिससे आप सरकार को पता चल सके या प्लानिंग कमीशन को पता चले कि क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है सबसे पहला है लो प्रोडक्टिविटी मैंने बताया था प्रोडक्शन क्या होता है टोटल आउटपुट कितना बना प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट पर हेक्टेयर कितना बड़ा तो उस टाइम पे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो रहती थी, थी जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बैकवर्ड और स्टेगनेट बन चुका था सेकेंड है disguised unemployment. Disguised unemployment क्या होता है ये होती है एक सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ पीपल्स एंगेज इन अ जॉब आर मोर देन द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड मतलब भैया मतलब एक काम को करने के लिए अगर हमें चार बंदों की जरूरत है और उस काम में छह लोग लगे हैं तो वो दो बंदे क्या है वो एक्स्ट्रा है वो क्या है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड यानी अगर आप उनको हटा दोगे ना तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आना है तो जो एक्स्ट्रा बंदे काम कर रहे होते हैं और आउटपुट में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थर्ड हमारे पास आता है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल यानी हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे क्यों क्योंकि भैया हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थी जिस वजह से हमें रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था यानी एक बहुत रिस्की बिजनेस बनते जा रहा था क्योंकि रेनफॉल हुई तो प्रोडक्शन अच्छा हुआ रेनफॉल नहीं हुई तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाया तो इसलिए उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे रेनफॉल के ऊपर उसके बाद आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब जो आप प्रोडक्शन करते हो वो आप सिर्फ अपने खाने के लिए प्रोड्यूस करते हो ना कि मार्केट में बेचने के लिए यानी आप सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हो आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करके थोड़ा मार्केट में बेच सकूं जिससे मेरी भी इनकम जनरेट हो सके और फूड ग्रेन या जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ सके या उसका जो सप्लाई है वो बढ़ सके तो ये प्रॉब्लम भी चल रही थी सब्सिस्टेंस फार्मिंग की उसके बाद है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे मशीन्स यूज करते थे हार्वेस्टिंग मशीन थ्रेशर्स वो सब हम यूज़ नहीं करते थे हम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा था और हम बैकवर्ड और स्टेगनेंट रह जा रहे थे उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स टेनेंट्स कौन होते हैं जो फार्म में काम करते हैं यानी फार्मर्स बोल सकते हैं हम टेनेंट को लैंड लॉर्ड कौन होते हैं जो उस लैंड के मालिक होते हैं जैसे जमींदार होते थे वैसे लैंड लॉर्ड और जमींदार एक ही है तो लैंड लॉर्ड मतलब जो मालिक है उस लैंड का और टिलर मतलब जो फार्मर उसमें काम कर रहा है तो उनके बीच के जो रिलेशन होते थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेटिव होते थे यानी लैंड लॉर्ड उनसे बहुत ज्यादा ह्यूज इंटरेस्ट लेते थे काम करने का उनके लैंड तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था फिफ्थ हमारे पास आता है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, यानी जो समय फार्मर्स होते थे, उनके पास जो लैंड होती थी वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती थी या बहुत मार्जिनल होती थी जिस वजह से प्रोडक्शन वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाते थे और वो चाह के भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बैकवर्ड और स्टेगनेट हो गया था तो यार ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो एग्रीकल्चर फेस कर रहा था बेसिक प्रॉब्लम्स थी ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है ना ये ऐसे आएगी ठीक है तो यार अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या पॉलिसीज लॉन्च करी गई तो दो पॉलिसीज लॉन्च करी गई थी सबसे पहला था लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा था ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना सुना लग रहा होगा ना अभी करते हैं इसको डिस्कस सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की देखो लैंड रिफॉर्म मतलब कि चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड लैंड होल्डिंग्स यानी पहले वो लैंड किसी को बिलोंग करती थी अब वही लैंड किसी और को बिलोंग कर देगी यानी ओनरशिप चेंज हो गई लैंड होल्डिंग्स की तो भैया इससे एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव कैसे हुआ ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहे समझना इसके अंदर दो चीजें करी गई थी सबसे पहला अबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडरीज और दूसरा लैंड सीनिंग लगाई गई थी तो अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियर क्या था देखो देखो ऑफ इंटरमीडियस में क्या हुआ था ना जमींदारी सिस्टम को हटा दिया था जो बीच में जमींदार होते थे या लैंड लॉर्ड होते थे उनको बीच में से हटा दिया था क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रियलाइज करा कि यार ये जमींदार तो कुछ कर नहीं रहे हैं ये बस लगान कलेक्ट कर रहे हैं और कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से क्या हो रहा था जब लगान लिया जाता था तो फार्मर्स को भी ये चीज़ पसंद नहीं थी क्योंकि फार्मर्स को पता था कि भाई हम जितना भी मेहनत कर लें हम जितना भी प्रोडक्शन कर ले एट द एंड हमें लगान के रूप में उनको देना पड़ेगा और हमारे पास कुछ बचता ही नहीं था तो फार्मर्स ने भी यार कभी अपनी तरफ से इच्छा नहीं जताई कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे क्योंकि यही डर रहता था कि वो तो सब लगान के रूप में चले जाएगा तो गवर्नमेंट ने यही चीज रियलाइज करी कि भैया ये जो बीच में ज़मींदार हैं ना जो ये क्या कर रहे हैं लगान कलेक्ट कर रहे हैं इनको हटाओ ये सिर्फ ओनर है उस लैंड के और कुछ कर नहीं रहे हैं तो इनने बोला जमीनदार को हटाओ और जो टिलर्स हैं या जो फार्मर्स हैं उन्हीं को ओनर बना दो इस लैंड का जो जमींदार होल्ड करके बैठे हैं तो यहां पे क्या करा गया पहला तो जमींदार्स को बीच में से हटा दिया और जो फार्मर्स होते थे या टिलर्स होते थे उसी को ओनर बना दिया उस सॉइल का या उस लैंड का ठीक है यही लिखा है रिमूविंग जमींदार एंड मेकिंग टिलर्स द ओनर ऑफ सॉइल यानी बीच में से जमींदार्स को हटा दिया और जो फार्मर्स थे फार्मर्स और ट्रेलर एक ही होता है फिर से बता रहा हूं तो फार्मर्स और टेलर को क्या करना ओनर बना दिया उस लैंड का जो जमींदार होल्ड करके बैठे थे ये चीज इसके अंदर करी गई फार्मर्स कुड विलिंगली प्रोड्यूस मोर अब ऑब्वियस बात है वो लैंड उनकी हो चुकी है तो उनको भी मजा आता था उसके बाद ब्रॉड 200 हंड्रेड लैक टेनेट इन टू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ गवर्नमेंट अब ये जो जमींदार हमने हटाए इस वजह से क्या हुआ जब यहां पर होते थे फार्मर्स बीच में होते थे जमींदार और यहां पर होती थी गवर्नमेंट अब बीच में से जमींदार को जब हटा दिया गया तब ऑलमोस्ट टू हंड्रेड टेनेंट्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए गवर्नमेंट के क्योंकि बीच में से जमींदार को हटा दिया गया था ठीक है ये इंपॉर्टेंट डेटा है इसको याद रखना सो so, ब्रॉड टू हंड्रेड टेनेंट्स इन टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ठीक है अब भैया इसका फेलियर या नुकसान क्या हमें मिला सबसे पहला नुकसान हमको क्या हुआ जमींदार्स यूज सम लूपहोल्स। लूपहोल्स होता है मतलब करप्शन करना यानी जमींदार्स ने करप्शन करा जो भी सिस्टम होता था उसमें जिस वजह से यह सक्सेसफुल नहीं होने दिया प्रॉपरली सेकेंडली जमींदार्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर्स मतलब ने पता है क्या बोला कि भैया हम ही यहां पे क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं हम ही यहां पे प्रोडक्शन करते हैं यानी कि हम ही फार्मर्स हैं तो है ऐसा जताया कि हम जमींदार नहीं है हम फार्मर्स हैं हम ही यहां पे प्रोडक्शन करते हैं हम किसी और से काम नहीं करवाते हैं. तो गवर्नमेंट को क्या लगा अच्छा ये जमींदार नहीं है ये तो फार्मर है तो इससे तो हम लैंड नहीं छीन सकते तो यही चीज उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करी जिस वजह से हमने बोला जमींदार क्लेम्ड टू बी द सेल्फ कल्टीवेटर्स क्या ये चीज हमको समझ में आ रही है कोई भी डाउट आता है फिर से बोलूंगा कमेंट करना अपन का एक बॉन्ड बन जाना चाहिए इस टाइम पे पे जहां पे हम दोनों मिलके इस जर्नी को पूरा करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ठीक है तो ये करा गया अब ऑफ रेस में सेकंड हुआ लैंड सीलिंग इसके अंदर लगाई गई थी लैंड रिफॉर्म्स में लैंड सीलिंग क्या होती है देखो लैंड सीलिंग मतलब होता है कि फिक्स कर देना एक स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड जितना आप होल्ड कर सकते हो सपोज कर लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक बंदा मात्र दस एकड़ की लैंड होल्ड कर सकता है फॉर एग्जाम्पल तो दस एकड़ से जितनी भी ज्यादा लैंड होगी जो उसके पास होगी वो बांट दी जाएगी यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी तो यही होता है लैंड सीडिंग रिफर्स टू द फिक्सिंग ऑफ स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल यानी स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड सेट कर देना कि भैया तुम सिर्फ इतनी ही लैंड होल्ड कर सकते हो एक्सेस लैंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और उससे जितनी भी ज्यादा लैंड होगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी ठीक है डन टू प्रमोट इक्विटी ऑब्वियसली बात है यार किसी के पास ऐसा होता था कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा लैंड होती थी किसी के पास बिल्कुल लैंड ही नहीं होती थी तो इससे क्या होगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास बहुत कम है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो इक्विटी अटेन करने के लिए ही लैंड सीलिंग लगाई गई थी ठीक है भैया इसके क्या फेलियर्स हुए थे देखो इसका यही हुआ ना जमींदार जितनी भी जमीन आगे की जमीन होती थी वो अपने रिलेटिव के नाम थे थे। तो गवर्नमेंट चेक करने आती थी वो तो दिखाते थे भैया हमारे पास तो सिर्फ दस एकड़ है बचा हुआ चुपचाप क्या करते थे रिलेटिव के पास जमा करवा देते थे तो यही प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट करी सो बिग लैंड डिलेट इट इंप्लीमेंटेशन एंड रजिस्टर्ड एक्सिस लैंड करवा दी गई क्या यह चीज हमको समझ में आ रही है तो भैया लैंड रिफॉर्म का कंक्लूजन क्या निकला हमने यह समझ लिया कि इसमें से बीच में से इंटरमीडरी यानी जमीनदार को हटा दिया था लैंड सीलिंग लगा दी गई थी तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कंक्लूजन में सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि भैया जो केरला और वेस्ट बंगाल की स्टेट थी वहां पे इसका इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया और अच्छे से इसको क्या करा इंप्लीमेंट करा सेकेंडली बाकी जो सारी स्टेट्स थी उतना वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया मेन रीजन ये भी था कि वहां की गवर्नमेंट उतना सीरियस नहीं थी इस लैंड रिफॉर्म को लेके जिस वजह से वेस्ट बंगाल और केरला के अलावा सारी स्टेट्स में इसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो कंक्लूजन में यही लिखना है कि वेस्ट बंगाल और केरला में इसका अच्छा सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ वेर एस जो अदर स्टेट्स है वहां पर उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो पहला हमने क्या पढ़ लिया लैंड रिफॉर्म जिसमें हमने ओनरशिप चेंज करी लैंड होल्डिंग्स की किस किस के थ्रू अबोलिशन ऑफ इंटरमीडरी यानी बीच में से जमींदार हटा दिए और जो टिलर्स या फार्मर्स थे उन्हीं को ओनर बना दिया उस लैंड का उसके बाद लैंड सीलिंग लगा दी यानी स्पेसिफाई कर दिया कि भैया सिर्फ इतनी ही लैंड तुम होल्ड कर सकते हो इससे ज्यादा होगी तो वो बांट ही दी जाएगी स्मॉल फार्मर्स में या जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है उनको तो ये चीज करी गई और इससे हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में इंक्रीज हुआ एंड हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर पाए तो ये पहली थी हमारी जो पॉलिसी लॉन्च करी गई थी दैट वॉज लैंड रिफॉर्म्स सेकेंड हमारे पास आया ग्रीन रिवॉल्यूशन देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत सुना सुना लग रहा होता ना ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ नहीं है बस ये बोलता है कि भैया जब हमारा अचानक से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया था फूड ग्रेन का ड्यू टू यूज ऑफ एच वाई वी सीड्स देखो इसको मैंने यहां पे लिखा अच्छे से यहां पे समझते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है रिफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू यूज ऑफ एच वाई वी सीड्स यानी हमारा अचानक से फूड इंटर प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था किसकी वजह से एच सीड्स यूज करने की वजह से भैया ये एच सीड्स क्या है सुना सुना लग रहा है वो भी अभी समझते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से लॉन्च हुआ था देखो ये दो फेजेस में लॉन्च हुआ था पहला था मिड सिक्सटीज और सेवेंटीज के बीच में और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था पंजाब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे और इसने कौन सी कौन सी क्रॉप्स कवर करी थी वो थी मात्र व्हीट और राइस पहला फेज कब लॉन्च हुआ था मिड सिक्सटीज और सेवेंटीज के बीच में कौन सी कौन सी स्टेट में हुआ था पंजाब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कौन सी कौन सी क्रॉप्स इसके अंदर आई थी जिसका प्रोडक्शन बढ़ा था वो थी वीट और राइस ठीक है पहला फेज ये हुआ सेकंड फेज कब हुआ सेकंड फेज हुआ था मिड सेवेंटीज और एटीज में और इसमें क्या हुआ था इसके बाद सारी स्टेट्स को कवर करा गया था सेकंडली इसमें और ज्यादा क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करा गया था जिनका प्रोडक्शन हमने इंक्रीज होते हुए देखा तो दो फेजेस मिड सिक्सटीज और सेवेंटीज के बीच में पहला फेज उसके बाद मिड सेवेंटीज और एटीज के बीच में दूसरा फेज लॉन्च करा गया था ठीक है तो इस तरीके से लॉन्च चला गया था अब भैया ये तो बताओ एच सीड्स क्या होते हैं देखो एच सीड्स होते हैं इसको हम बोलते हैं मिराकल सीड्स भैया मिराकल सीड्स क्यों बोलते हैं ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है क्यों क्योंकि भैया इसने एक ऐसा चमत्कार कर दिया कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन होता था फूड ग्रेन्स का उसको एकदम से बिल्कुल बूम दे दिया और बहुत ज्यादा इंक्रीज करवा दिया इस वजह से हमने इसको क्या बोला मिराकल सीड्स एच सीड्स की परफॉर्म क्या होती है ठीक है और जो ये एच सीड्स होते हैं ना इसमें हमें इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा चाहिए होती है मतलब अगर हम नॉर्मल सीड देखें तो हमें थोड़ा सा पानी उसको चाहिए होता है लेकिन जब हम एच सीड्स की बात करते हैं तो हमें पानी की मात्रा इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है एट एनी कॉस्ट ठीक है उसके बाद इसमें जो फर्टिलाइजर्स लगते हैं वो फोर टू टेन टाइम्स एक्स्ट्रा लगते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल सीड्स यानी नॉर्मल सीड्स में जितने भी फर्टिलाइजर्स लग रहे हैं उसके फोर टू टेन टाइम्स किस में लगेंगे एच सीड्स में लगेंगे तो एच सीड्स क्या होते हैं ये होते हैं मिराकल सीड्स जिसमें हमें बहुत ज्यादा इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है एंड बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स की मात्रा देनी पड़ती है जिस वजह से हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है फूड ग्रेन का तो इसको हमने बोला एच सीड्स ठीक है अब आती है भैया ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है पहला एडवांटेज है अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस भैया ये मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है देखो सपोज कर लो फार्मर ने इतना कुछ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करा उसमें से उसने इतना क्या करा कंज्यूम कर लिया अब जो ये बचा हुआ प्रोड्यूस जितना उसने मार्केट में बेचा जितना बचा हुआ प्रोड्यूस अपना कंजम्पन करने के बाद उसने मार्केट में बेचा उसको हमने बोला मार्केटेबल सरप्लस और हमने क्या कर लिया था अटेन कर लिया था मार्केटेबल सरप्लस यानी हम इतना प्रोडक्शन करने लग गए थे कि अब हम मार्केट में भी बहुत अच्छा बेचने लग गए थे प्रोडक्ट्स को या फूड ग्रेन्स को तो ये पहला बेनिफिट हुआ कि हम मार्केटेबल सरप्लस को अटेन करने लग गए सेकेंड आया बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन यानी हमने इतना प्रोडक्शन इंक्रीज कर लिया था अपना फूड ग्रेन का कि हमारे पास बफर स्टॉक मेंटेन हो गया और हमें अपनी इकोनॉमी में उसके बाद से कभी भूखमरी देखने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे उसमें कभी भी फेमाइंस नहीं आए उसके बाद बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप कैसे हुआ भैया यानी पुअर्स को इससे फायदा हुआ कैसे भैया देखो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन फूड ग्रेन का बड़ा प्रोडक्शन बढ़ा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ी फूड ग्रेन्स की अब अब बात है कोई भी भंडार में, में होगा, तो उसके या नहीं होंगे डिमांड एंड सप्लाई में नहीं भी पढ़ा तो बस इतना समझ लो कोई भी चीज की अगर एक्सेस सप्लाई हो जाती है मार्केट में तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं तो इस वजह से क्या हुआ लो इनकम ग्रुप को इसका बेनिफिट देखने को मिला क्योंकि प्राइसेस गिर गए और वो लोग भी इसको क्या करने लग गए खरीदने लग गए फूड ग्रेन्स को तो ये तीन मेरिट्स मार्केटेबल सरप्लस हमने अटेन करा सेकंड हमारे पास बफर स्टॉक हो गया फूड ग्रेन्स का और लास्ट बेनिफिट मिला लो इनकम ग्रुप पीपल को या फिर पुअर पीपल को उसके बाद आती है भैया डीमेरिट्स क्या है देखो डीमेरिट्स में सबसे पहला हुआ पेस्ट अटैक यानी जो प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन हम लोग एच सीड्स के थ्रू करते हैं उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें पेस्ट अटैक हो सके तो जिस वजह से क्रॉप्स फेल हो सकती हैं और फार्मर्स ने जितना भी पैसा लगाया है जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करना उसने चाह वो नहीं हो पाएगा और उसको लॉस आकर हो सकता है तो पहला रीजन जो भी क्रॉप्स हम लोग एच वाई सीड्स से बनाते हैं उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि उसमें पेस्ट अटैक हो जाएंगे ठीक है सेकंड है इंक्रीज इन इनकम इन भैया इनकम इन मतलब क्या होता है देखो अमीर और अमीर हो रहा है गरीब और गमीर हो रहा है वो कैसे भैया एक बात बताओ इसमें हमें जो एच वाई वी सीड्स परचेस करनी है क्या वो गरीब फार्मर्स कर सकता है भाई उसको 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 क्या क्या चाहिए चाहिए टू टाइम्स इतना ज्यादा पैसा चाहिए सेकेंडली उसको इरीगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी तो बात निकल के ये आती है कि एच वाई वी सीड्स को अफोर्ड करना सबकी बात नहीं है गरीब फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता रिच तो चलो कर लेगा और वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेगा बट उस गरीब फार्मर का क्या जो उसको नहीं कर सकता क्यों क्योंकि भैया उतनी सारी चीजें भी तो आगे से देखनी है खर्चा भी तो ज्यादा आ रहा है तो पुअर फार्मर उसको नहीं खरीद सकता जिस वजह से अमीर और अमीर होता गया उसका फायदा उठा के और बेचारा गरीब फार्मर उसका फायदा नहीं उठा पाया वो और पुअर होता गया तो ये हमें डीमेरिट्स देखने को मिले पहला था पेस्ट अटैक सेकेंड इंक्रीज इन इनकम इनइक्वेलिटीज राइट तो हमने क्या देख लिया मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन सो तो ये दो पॉलिसीज हमने लॉन्च करी थी किसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की इंप्रूवमेंट के लिए पहला था लैंड रिफॉर्म्स सेकेंड था ग्रीन रिवॉल्यूशन ये टॉपिक्स हमने इसके अंदर पॉलिसीज में लॉन्च करे गए साथ साथ नोट करते रहना चीज़ों को ठीक है हम बस यहीं पर कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट दो स्लाइड्स को उसके बाद ये हमारे चैप्टर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा बचा हुआ सेकंड पार्ट हम लोग कल कवर कर लेंगे ठीक है तो इसमें क्या हुआ देखो अब एक टॉपिक आता है सब्सिडीज सब्सिडीज क्या होती है भैया देखो सब्सिडीज मतलब आपने सुना भी होगा लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करी है इसमें क्या होता है ना जो फार्मर्स होते हैं उनको जो एग्रीकल्चरल इनपुट होता है या फार्मिंग इनपुट होता है जैसे आपका सीड्स हो गया फर्टिलाइजर्स हो गया वो सस्ते रेट में दिया जाता है एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस अगर मार्केट में वो सीड सौ रुपए का मिल रहा है तो फार्मर्स को वो साठ रुपए का मिल जाता था अप्रोक्स मान के चल रहे हैं यानी सस्ते में मिल जाता था जो भी इनपुट होता था फार्मिंग का तो क्या बोल रहा है मीन्स फार्मर्स गेट इनपुट एट लोअर प्राइस देन मार्केट यानी जितना भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उससे कम प्राइस में फार्मर्स को मिल जाता था उसको बोलते थे सब्सिडीज ठीक है भैया अब इसमें क्या हुई इकोनॉमिक्स ने डिबेट करी इकोनॉमिक्स ने बोला कि जो हम ये सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या हमें इसे कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करनी चाहिए या एक टाइम के बाद आके रुक जानी चाहिए तो किसी ने इसके फेवर में बोला कि हाँ भैया आपको कॉन्टिन्यूसली इसको देते रहना चाहिए और किन्हीं इकोनॉमिक्स ने बोला कि नहीं इसको कंटिन्यू मत करो तो जिनने फेवर में बोला उनने कुछ पॉइंट्स रखे पहला फार्मिंग इज स्टिल रिस्की यानी जो फार्मिंग जो बिजनेस है बोलो वो अभी भी बहुत रिस्की है कभी प्रोडक्शन होता है कभी नहीं होता यानी कभी आउटपुट बनता है कभी नहीं बनता तो हम क्या कर सकते हैं एटलीस्ट उनको सब्सिडीज तो प्रोवाइड कर सके ताकि अगर लॉसेस हो गए तो वो थोड़ा बहुत तो अपना नुकसान बचा पाए तो पहला रीजन ये बोला गया कि फार्मिंग अभी भी एक रिस्की बिजनेस है कभी आउटपुट बनेगा कभी नहीं बनेगा तो इसलिए हम सब्सिडीज प्रोवाइड करते रहे मेजोरिटी फार्मर्स आर पुअर देखो भैया आज के टाइम पे उनने बोला कि जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स है यानी मेजर प्रोपोर्शन ऑफ जो फार्मर्स है वो अभी क्या है पुअर है तो वो तो सब्सिडीज के बिना प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते उनको तो सब्सिडीज की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर सीड्स नहीं कर सकते तो उनको तो सब्सिडीज की जरूरत पड़ेगी ही तो उनने बोला कि हमारी जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स है वो अभी गरीब है थर्ड बोला इफ रिमूव्ड देन वलिटी इंक्रीज हो जाएगी यानी इकोनॉमिक्स ने बोला कि अगर आप सब्सिडीज हटा दोगे तो रिच फार्मर को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट जो गरीब फार्मर है वो कहां से ले पाएगा इनपुट्स तो रिच फार्मर तो अपना प्रोडक्शन करके और इंक्रीज कर लेगा अपने प्रोडक्शन को और जो गरीब फार्मर है वो और गरीब होता जाएगा जिस वजह से क्या होगी इनकम इन इक्वालिटी जनरेट होगी यानी अमीर और अमीर होता जाएगा गरीब और गरीब होता जाएगा तो ये हमारे थे जो बोले फेवर में कि हमें सब्सिडीज कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करनी चाहिए पहला था बोला कि फार्मिंग अभी भी एक रिस्की बिजनेस है सेकेंडली अभी भी मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स पुअर हैं उनको इसलिए देना पड़ेगा सब्सिडीज उसके बाद बोला कि अगर ऐसा करोगे तो भैया इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी अमीर फार्मर और अमीर होता जाएगा गरीब फार्मर और गरीब होता जाएगा तो यह बोला गया इन द फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग द सब्सिडीज उसके बाद इसके अगेंस्ट में क्या बोला गया देखो इसके अगेंस्ट में जो टॉपिक्स बोले गए पहला बोला गया ऑलरेडी वाइडली एक्सेप्टेड यानी जो इकोनॉमिस्ट थे उन्हें ये बोला कि चलो ठीक है भैया तुम सब्सिडीज लाए तुमने सब्सिडीज देना स्टार्ट करा अब उसका फायदा ऑलमोस्ट हर फार्मर तक पहुंच चुका है उसने अपना आउटपुट जनरेट कर लिया है अब उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है क्यों बेफालतू में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हो जो सब्सिडीज का मेन पर्पस था कि फार्मर्स तक उसका बेनिफिट पहुंचे वो पहुंच चुका है अब बार बार देने का तो कोई मतलब है ही नहीं इससे तो फार्मर्स उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनका सिर्फ पॉइंट इतना रखा गया कि भैया जब इस चीज को लाए गए थे जो इसका पर्पज था वो फुलफिल हो चुका है सब तक उसके फायदे पहुंच चुके हैं तो अब इसको हटा दो यानी ये ऑलरेडी सबने एक्सेप्ट कर लिया है सबने इसका बेनिफिट उठा लिया है उसके बाद बोला गया फार्मर्स आर नॉट गेटिंग बेनिफिट यानी इनने क्या बोला इकोनॉमिक्स ने कि भैया जो आप सब्सिडीज दे रहे हो वो पुअर फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं रही है वो तो सिर्फ रिच फार्मर्स ही उसका फायदा उठा रहा है तो फायदा ही क्या हुआ सब्सिडीज देने का तो ये दो पॉइंट रखे गए अगेंस्ट द प्रोवाइडिंग ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ सब्सिडीज पहला कि भैया ऑलरेडी सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि जो पुअर फार्मर्स हैं उन तक इस सब्सिडीज का बेनिफिट पहुंच ही नहीं रहा है जिसके लिए सब्सिडीज दी जाती हैं गरीब फार्मर्स के लिए ही तो दी जाती हैं तो उन तक ये बेनिफिट पहुंच नहीं रहा है तो ये हमने देखे सब्सिडीज और इसके फेवर जो अगेंस्ट में बोले गए थे टॉपिक्स लास्ट टॉपिक हमारा बचा है जो आज की वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भैया इतना बड़ा क्या लिखा है क्रिटिकल अप्रेजल मतलब क्या होता है क्रिटिकल अप्रेजर मतलब कि जो भी हमने पढ़ा उसका एक ओवरव्यू लेना उसके कुछ पॉजिटिव्स हमको देखने को मिले कुछ नेगेटिव्स हमको देखने को मिले या इन दी एंड में बोलूं कि क्रिटिकल अप्रेजर मतलब जो भी हमने अभी पढ़ा उसका एक ओवरव्यू हमें दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव क्या हुए नेगेटिव क्या हुए एंड क्या क्या चीजें हमने देखी तो यार बुक में ना अगर आप जाओगे तो उसमें बहुत बड़ा भर भर के उसमें लिखा गया है जो मेरे को नहीं लगता जिस इतना करने की जरूरत है उसी की लैंग्वेज को मैंने कंपाइल करा है एक प्रिसाइज मैनर में सो so दैट वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए हिंदी में हम लोग समझेंगे तो अपने आप ही हम उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इसमें क्या बोला गया सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशन वर अ ग्रेट अचीवमेंट्स यानी पहला पॉइंट सिर्फ इतना बोला गया जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे और जो ग्रीन रिवोल्यूशन पॉलिसीज लाई गई थी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत बड़ा हमारे लिए क्या था एक अचीवमेंट था

लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जमींदारी सिस्टम रोक दिया गया था जिसमें अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियट हमने पढ़ा तो उस वजह से जमींदारी सिस्टम हट चुका था लैंड रिफॉर्म की वजह से जो कि बहुत अच्छा अचीवमेंट अच्छा हमारा था जैसे जैसे हिंदी में बता रहा हूं उसी को अगर क्रिटिकल लिखने को आता है तो जो जो मैंने बताया उसको लिख देना अपनी लैंग्वेज में और इस कीवर्ड्स को याद रख लेना दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू राइट आंसर्स इन आईईडी। थर्ड बोला गया कि भैया जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो वर्कफोर्स डिपेंडेंट हो रही थी 1950 1990 वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई लेकिन जो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो उस प्रपोर्शन से इंक्रीज नहीं हुआ यानी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई डिपेंडेंट होना एग्रीकल्चर के ऊपर लेकिन उस हिसाब से हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं आया और इसका क्या रीजन था इसका एकमात्र रीजन यही था कि जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर था वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाया जो एक्सेस पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बर्डन रहा यानी उसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हुए जितनों की जरूरत भी नहीं थी और जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से हमारी वर्कफोर्स उसके ऊपर डिपेंडेंट थी तो यही बोला है पॉइंट एग्रीकल्चर सेक्टर पर वर्कफोर्स तो इंक्रीज हुई लेकिन जीडीपी प्रपोर्शन नॉट इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली यानी जितनी वर्कफोर्स इंक्रीज हुई उस हिसाब से जीडीपी का प्रपोर्शन हमारी इकोनॉमी में नहीं बढ़ा बिकॉज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर कुड नॉट एब्जॉर्ब द पॉपुलशन फ्राम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया जो एक्सेस पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की जिस वजह से हमारी वर्कफोर्स बढ़ी लेकिन जीडीपी का प्रोपोर्शन नहीं बढ़ा तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी हमने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देखे या हमने एक ओवरव्यू लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखा है अगर आप बुक में देखोगे तो आपको बहुत लंबा खींच के लिखा है बट उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने बताया है उसको अपने लैंग्वेज में लिख देना जो भी मैंने बोला है वो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो ये चैप्टर में पार्ट में हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं हमने डिस्कस करा कि क्या इकोनॉमिक सिस्टम होता है कितने टाइप्स के होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है बेसिक गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान क्या थे और हमने क्या पॉलिसीज लॉन्च करी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के ठीक है तो यार अब हमें ना अगले चैप्टर में क्या पढ़ना है जो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेक्टर के लिए हमने क्या क्या पॉलिसीज लॉन्च करी दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप आपको समझ में आएगा बस एक रिक्वेस्ट करूंगा यार अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिकॉज एक मेरे को लगता है कि हाँ यार एक इंटरेक्शन बन रहा है एंड सम वन इज लिसनिंग टू मी एंड इट डेफिनेटली मोटिवेट्स मी आर लॉट दिस इज ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इट्स अ रिक्वेस्ट बाकी वो आपके ऊपर है